एपिसोड 114 की स्टार्टिंग होती है और स्नैन कहता है, क्या तुम्हें अपने बालों को धोना नहीं है क्योंकि उसने तुम्हारे बालों को छुआ है। तुमने ऐसा कभी मुझे ट्रीट तो नहीं किया? फिशिंग कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं पहले ही कह चुकी हूँ मुझे टीचर एओरन का काम बहुत पसंद है और वैसे तो बिल्कुल नहीं जैसे तुम सोच रहे हो। और तभी स्नैन शिंक को उठा लेता है और फिशिंग कहती है, स्नैन जब कोई कुछ कहता है तो तुम सुनते क्यों नहीं हो? तुम बहुत बुरे हो। फिर स्नैन कहता है, तुम्हें आज पता चला कि मैं इतना बुरा हूँ? तुम किसी और को पसंद नहीं कर सकती। अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं उस दिन इतना अच्छा नहीं बनता, मुझे तुम पर कुछ निशान छोड़ देना चाहिए थे। फिर शिंग कहती है, मैं किसी और को पसंद नहीं करती। फिर स्नैन उसके पास आने की कोशिश करता है और शिंग कहती है, दो दिन पहले ही तो हमने। और फिर स्नैन कहता है, सिर्फ एक बार, तुम्हें तो पता ही है ना मैंने दो दिन से तुम्हें छुआ भी नहीं। फिशिंग मन में कहती है, उस टाइम थोड़ा एम्बेरसिंग था। फिर उस स्नैन से कहती है, नहीं रहने देते हैं। फिर स्नैन कहता है, क्यों नहीं, तुमने तो कल भी मना किया था और उसके एक दिन पहले भी। फिशिंग कहती है, मुझे कुछ दिन आराम करने दो। फिशिंग बहाना बनाती है और कहती है, अरे हाँ मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, पहले ही बहुत दर्द हो रहा था और जब तुमने गले लगाया तो और दर्द हो रहा है। फिर स्नैन कहता है, कमर में दर्द कहीं है उस वजह से तो नहीं? फिशिंग कहती है, हाँ तुम्हें मुझे थोड़ा टाइम तो देना चाहिए, एक तो ये पहली बार है और ऊपर से इतनी जल्दी रिकवर कोई कैसे हो सकता है। फिर स्नैन कहता है, सॉरी मुझे पता भी नहीं था, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी की बॉटल लेके आता हूँ और वो तुम्हारी कमर पे रख दूंगा। फिशिंग सोचती है, इस तरह की चीजें रोज नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है और मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं फ्यूचर में ऐसा फिर करूं। ये बहुत डरावना था, अब मुझे बस सिनेरियो कंट्रोल करना होगा और इन चीजों पे लिमिट सेट करनी होगी। फिर शिंग क्लचर जमीन पे गिर जाता है और वो कहती है, अरे नहीं मेरा क्लचर तो बेड के नीचे चला गया। फिर स्नैन जब वापस आता है तो वो देखता है कि शिंग कुछ ढूंढ रही है और वो कहता है, शिंग तुम्हें तो कमर में दर्द था ना? इसके बाद कुछ देर बाद का सीन दिखता है और स्नैन मन में सोचता है, कमर दर्द के बारे में इसने मुझसे झूठ कहा। और वहीं शिंग सोचती है, वो शायद इस बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा और ऊपर से मैंने उससे ये तक कह दिया कि मुझे आराम करना है, मुझे काफी एम्बेरस फील हो रहा है। फिर स्नैन सोचता है, भले ही ये मुझसे झूठ बोले पर ये अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती, क्या मेरी स्किल्स काफी नहीं है? शायद ये उस समय अनकंफर्टेबल थी और इसलिए वो नहीं चाहती थी कि, और आज वो उस बॉडी बिल्डर आदमी एओरन के पास चली गई। वैसे तो उसने कह दिया कि वो उसे पसंद नहीं करती पर फिर भी, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि अब ये मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है और इसलिए ये आज मुझसे गले नहीं लग रही थी और मेरे साइड में भी नहीं सो रही थी। मुझे अब रोना आ रहा है, मुझे न्यू डंबल लेने चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक बंदा मिस्टर एन से कहता है, टीचर एंजिंग आप अभी तक गए नहीं? फिर मिस्टर एन कहते हैं, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। फिर वो बंदा कहता है, इवेंट तो खत्म हो चुका है, प्लीज जल्दी घर चले जाइएगा। फिर मिस्टर एन देखते हैं कि सामने से लियान और लूशी आ रही है और लियान कहता है, आज की कॉन्वर्सेशन काफी स्मूथली निकल गई, बस थोड़ा टाइम लग गया। फिर लूशी कहती है, ब्रदर लियान तुम बहुत अच्छे कहते हो, मैंने देखा। फिर लियान कहता है, लूशी तुम ज्यादा अच्छी हो। फिर मिस्टर एन कहते हैं, लूशी चलो साथ में घर चलते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। कमेंट में बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा।